दोस्तों, मैंने आज गूगल प्ले स्टोर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये वाला एरर आता है क्योंकि मेरे पास ग्राफिक कार्ड लैदा से नहीं लगा हुआ। चलें आज हम इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। सबसे पहले आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपने ग्राफिक सेटिंग में जाना है। आपने देख लेना है यहाँ पे आपकी ऐप है नहीं है। यहाँ पे ब्राउज करवाना है और आपने यहाँ पर सी में जाना है। सी में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, यहाँ गूगल वाले फोल्डर में जाएं, ये प्ले गेम्स है, यहाँ पर ये बूटस्ट्रैपर है, इसको आपने ऐड करवा लेना है। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में ये हाई परफॉर्मेंस है, ये मेरा ग्राफिक कार्ड जो इंटरनल इंटीग्रेटेड लगा हुआ है ना, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। उसके बाद इसको क्रॉस कर देना है। अब आपने फीचर्स में जाना है। यहाँ पर डायरेक्ट फीचर लिखकर भी आ जाएंगे, ये देखें टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फीचर पे चले जाएंगे। और यहाँ पर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को इनेबल करना है आपने। ये वाली हमारी वर्चुअल मशीन प्लेटफार्म, इसको आपने चेक लगा के ओके कर देना है। उसके बाद ये थोड़ी सी इसको फाइल्स चाहिए होंगी तो ये नेट से डाउनलोड कर लेगा। अब हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को और फिर चेक करते हैं कि हमारा गूगल प्ले स्टोर चलता है कि नहीं चलता। लीजिए दोस्तों, हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम गूगल प्ले स्टोर को चलाकर चेक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जीपीयू इंटीग्रेट होता है, उसको ये कॉन्फ़िगर करता है, उसके बाद ये ऑन होता है। लीजिए दोस्तों, हमारा गूगल प्ले गेम्स बीटा वर्जन ऑन हो गया। अब हम इसमें अपना साइन इन करके गूगल अकाउंट, तो इसको हम गेम्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स।